हद है, बस हिंदुस्तान की है पर मैसेज फारसी में लिखा है, कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ ले और पहनो सही साथी बने। बुलंदशहर में एक अनोखा निकाह हुआ जिसमें घराती और बाराती दुल्हन तो शामिल हुए लेकिन अमेरिका से दूल्हा ने बिना आए निकाह कबूल कर लिया। दरअसल अमेरिका में कोरोना की दवा पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर हादी हसन का निकाह शनिवार की रात सियाना की रहने वाली कहकशा से ऑनलाइन के द्वारा कराया गया। अमेरिका में बैठे दूल्हे की बारात का सियाना नगर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। वही सोशल डिस्टेंस के साथ शादी के सभी रस्मों रिवाज भी हुए और शहनाई और बाजे की धुनी भी बजी। सियाना के मोहल्ला चौधरीयन के रहने वाले एहतिशाम की बेटी कहकशा का रिश्ता हापुड़ के रहने वाले वैज्ञानिक हादी हसन से हुआ। डॉक्टर हादी हसन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में रहकर कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके चलते अपनी शादी में शामिल होने भारत नहीं आ सके। लेकिन हापुड़ से भारत पहुंची और दूल्हा डॉक्टर हादी हसन ने तमाम मेहमानों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियाना की कहकशा से निकाह कबूल किया। मैंने आपके निकाह में इस तमाम मजमे आम के सामने कहकशा चौधरी डॉक्टर जनाब एहतिशामुल इस्लाम साहिब चौधरीयाल को सौजा बनाकर पेश किया। आपने उनको अपने निकाह में कबूल किया? जी मैंने कबूल किया, जी मैंने उनको कबूल किया, जी मैंने उनको कबूल किया। ये कोरोना की जो वबा पूरे दुनिया में फैली हुई है, जिससे दोबारा से जो है ये और ज़्यादा इसने रूट अपना ज़्यादा बड़ा कर दिया है, जिससे लोगों की बहुत मौतें हो रही हैं, तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये भाई ने मशवरा किया, सबकी राय बनी कि भी इस पीरियड में कम से कम छोटा सा प्रोग्राम ऐसा कर दिया जाए। और इसमें ऑनलाइन इसीलिए किया कि लोगों को भी सहूलत हुई इसमें, और ज़्यादा लोग भी नहीं शरीक कर सके, हम लोग अपना घर घर के लोग शामिल होकर 20-25 लोग जो हैं बारात में आए और लड़का वहाँ ऑनलाइन हमें उस पर मिल गया, तो यहाँ से काजी ने निकाह पढ़ा दिया और वहाँ से उसने कबूल करके उस निकाह को मंजूर किया और मार्च मांगने का उसकी उम्मीद है, तो वो आ जाएगा तो लड़की को अपने साथ ले जाएगा, साथी कर देंगे साथी से। तो सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और कोरोना काल भी अभी भी चला हुआ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को इसमें पूरी सरकार और हमारे पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया के हालात को देखते हुए सबको ही इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। सियाना में हुआ ये हाईटेक निकाह आम लोगों की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।